ओके okay, अभी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इसको हम लोग स्काला में कैसे लिखें, ठीक है ना। जो हमने लास्ट टाइम जो हमने देखा था मीन ऑफ एज, इंसुलिन और एज का मीन बेस्ड ऑन द ग्रुप बाय आउटकम कॉलम, तो उसको मैं स्काला में कैसे लिखूँगा। मैंने एक डमी सा डेटा बना दिया है यहाँ पे, ठीक है। एक डेटा फ्रेम लिया DF1 का, सेलेक्ट कर लिया मैंने 3 कॉलम्स, ठीक है। सेलेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं और सेलेक्ट कॉलम वाइज भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। दो तरीके होते हैं, कॉलम एज फिर कॉलम ब्रैकेट इंसुलिन, ठीक है। मैंने सिर्फ यहाँ पे मेरे पास सेलेक्टेड कॉलम्स आ गए, उनको मैंने ग्रुप बाय कर दिया आउटकम के थ्रू, ठीक है। जो कि हमने लास्ट टाइम करा था ग्रुप बाय कैसे करा था, इसके अंदर ग्रुप बाय आउटकम, ठीक है ना। इसमें सिंपल हमने कॉल कर लिया ग्रुप बाय डॉट, इधर यूज़ होता है एग्रीगेट, ठीक है। आपको अगर मल्टीपल ऑपरेशन करने हैं, सम निकालना है मीन निकालना है, तो एग्रीगेट के अंदर लिखो, वरना अगर आप डायरेक्टली सम लिख दोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो एग्रीगेट लिखा मैंने राउंड ऑफ एवरेज ऑफ एज, क्योंकि मुझे एज का एवरेज निकालना था, फिर मुझे इंसुलिन का एवरेज निकालना था, तो दोनों का मैंने एग्रीगेट करके निकाल लिया, ऑर्डर बाय आउटकम कर दिया, तो आपको दिखेगा सेम मेरे पास आउटपुट आ गया, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, थैंक यू।